हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिपॉल और आप देख रहे हो टेक फ्री। दोस्तों दोस्तों वीडियो पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले दोस्तों, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं मकान के जो अंदर जो बीम कॉलम रहते हैं दोस्तों, उसके जो रिंग किन साइज की बनती है और वो कितना सरिया कटता है दोस्तों, और उसको हम लाइव भी आपको बताएंगे कि आप वो बंदा किसे बनाता है और किस तरह वो बनती है दोस्तों। तो दोस्तों आप अगर मान लो 6 बाय 10 की अगर मान लो रिंग बनाते हैं, तो आप समझ लो कि उसके अंदर 34 इंच का जो सरिया आपको काटना पड़ेगा दोस्तों, जो उसकी लंबाई है, जो सरिया की लंबाई है वो 34 इंच की काटना पड़ेगी आपको। और अगर मान लो आप 8 बाय 6 की अगर रिंग बनाते हैं, तो दोस्तों 30 इंच का सरिया उसमें आपको काटना पड़ेगा। अगर मान लो आप 6 बाय 6 की रिंग बनाते हैं, तो उसमें 24 या 25 इंच का सरिया काटना पड़ेगा दोस्तों। तो ये तो हो गई आपकी रिंग कि जो साइज ये हो गई है जिसके आपको किन प्रकार का सरिया काटना है दोस्तों। तो ये एक अलग बात हो गई कि आपको किन, और उसके अलावा अगर मान लो आप जिस भी प्रकार की रिंग का सरिया अगर काटना चाहते हो, तो उस हिसाब से आपको उसमें कोटिंग करना है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे मिस्त्रियों को क्या, कभी जो सीख रहे हैं वो बहुत सारे यूट्यूब पे भी मतलब कि अपना फंडा आजमाते हैं कि भाई अपने इस पर सर्च करके ना पता कर लेते हैं कि भाई रिंग कितने साइज की और कितना सरिया कटेगा। बाकी तो मिस्त्री उनको पता ही रहता है कि उनको, क्योंकि जनरली पता रहता है क्योंकि उनमें पढ़े बहुत कम कर रही है, और बाकी ये चीज में ज्यादा वो माहिर रहते हैं कि किसमें कितना सरिया कटेगा। तो मैं उन मिस्त्रियों भाइयों को के लिए वीडियो है कि जो अभी जो नए सीख रहे हैं, वो क्या है कि अभी नए नए उनको नॉलेज नहीं है, तो ये उनके लिए है। और मिस्त्री भाइयों को मेरा भी एक तरफ वो है कि आपको इस चीज का नॉलेज हो जाए दोस्तों कि आप कितने इंच का कितना सरिया लोगे और कितने इंच का कितना रिंग तो कटेगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है दोस्तों, रिंग की पूरी काउंटिंग कर लेना है कि अगर मान लो आपके 8 बाय 8 की अगर रिंग है, तो उसमें 8 बार 8 बार 2 बार जोड़ना है और 6 बार उसका नीचे का भाग है, तो 6 6 बार 2 बार फिर जोड़ना है, तो 6 6 12 और 8 8 16। तो दोस्तों इस हिसाब से वो उसको काउंटिंग कर लेते हैं, और ऐसे ही हर एक रिंग में काउंटिंग करके ना उसका जो बाहर का जो भाग रहता है, जो मुड़ता है दोस्तों, उसमें 2 इंची एक्स्ट्रा आपको लगा लेना है। तो आपको इस तरह से उस रिंग की साइज का डिफरेंस कर लेना है। उसके बाद में हम आपको बताएंगे अभी से कि एक बंदा जो रिंग बना रहा है वहां भी लेके चलेंगे, और आपको उस हिसाब से भी समझाएंगे कि इसमें कितना इंच का सरिया कट रहा है और कितने इंच की ये रिंग बन रही है। तो दोस्तों हम आपको फिर एक बार कहना चाहते हैं कि अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले दोस्तों। तो हम चलते हैं अब उस बंदे की तरफ जो रिंग बना रहा है आपके लिए। हेलो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं यहाँ पे। जो भाई साहब रिंग बना रहे हैं, आप रिंग देख सकते हो, इन्होंने काफी रिंग बना रखी है। और ये किन तरीके से रिंग बनाते हैं, एक लकड़ी का ठिया लेते हैं, उनमें जो लकड़ी के ठिये में तार की जो 2 4 गुल्लियों ने बना के ना वो ठोक लेते हैं, और उसके बाद में फिर एक पाने के सहारे उस रिंगों को सारे को बनाते हैं। तो सरिया इन्होंने पहले से काट के रख लिया था, जो भी इनको साइज हमने भी बता ही दिया है आपको कि साइज कौन कौन सी बनती है और बेसिकली, और आप कौन सी साइज की बनाते हो वो आपके हिसाब से नापती करनी पड़ेगी आपको, कोई आप क्या साइज लगा रहे हो। तो आप देख सकते हो कि एक लकड़ी के ठिए में ये काट के ये कर रहे हैं दोस्तों। और अभी जो इन्होंने एक बीम भी बनाया है, मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। ये इन्होंने एक बीम बना के रख दिया है, ये देख सकते हो आप ये।